सब्सक्राइब करें जनता की आवाज अब तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज। समय दिया है अगर 2 अक्टूबर 2021 तक भारत को यदि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया, ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म नहीं की गई, तो फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मैं सरजू जी में जल समाधि लूंगा। अभी मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उनको पाकिस्तान से प्रेम है, लेकिन हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान से नफरत है। ये हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के वजूद को मिटाना चाहते हैं। ये देश में मुसलमानों की नागरिकता समाप्त होनी चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, नहीं तो 13 बार भारत के बंटवारा हो चुका है और अब स्थिति में भारत नहीं है कि फिर से ये बंटवारा झेल सके। ऐसा है कि हमसे थोड़ा समय मांगा गया है, तो वहाँ विधिक कार्रवाई जो है करने के लिए मुझे आश्वासन मिला है कि संविधान की रक्षा हर संभव में की जाएगी और वहाँ जांच की जा रही है जो लोग जो है इस तरह से अनलीगल असंवैधानिक कदम उठाए हैं। तो हमने जो है तो 2 अक्टूबर 2021 तक के लिए समय दिया है, अगर 2 अक्टूबर 2021 तक भारत को यदि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया, ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म नहीं की गई, तो फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मैं सरजू जी में जल समाधि लूंगा, क्योंकि देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ है और मुसलमानों ने उस समय जो है कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, हमको अलग देश चाहिए और पाकिस्तान बांग्लादेश उनको दिया गया जो मुस्लिम देश घोषित हो गया। तो कम से कम दुनिया में एक देश तो हिंदुओं के लिए बचे। आज दुर्भाग्य है कि वेस्ट बंगाल में जितने यहाँ के मुसलमान हैं वो भी रोहिंग्याओं के साथ मिलकर के एक तरफ से हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं और उसी तरह जो है तो तमिलनाडु में हो रहा है, केरल में हो रहा है, जहां भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उनको पाकिस्तान से प्रेम है लेकिन हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान से नफरत है। ये हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के वजूद को मिटाना चाहते हैं, इसलिए अब आवश्यक है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अब अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं जगतगुरु परमहंस आचार्य आचार पीठ से तपस्वी छावनी राम घाट अयोध्या से, हमने इनको 4 महीने का समय दिया है, नहीं तो गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2021 को सरजू जी में जल समाधि लूंगा। आशा करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान की रक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण कदम जरूर उठाया जाएगा। कि जब वहां की स्थिति से पता लगा कि जब वहां राज्यपाल महोदय पीड़ितों से मिलने के लिए गए तो जिस तरह से वहां के मुस्लिम समुदाय ने रोहिंग्याओं ने उनके साथ में जो बदसलूकी किया, इससे यह पता लग रहा है कि अब पूरे देश में मुसलमानों की नागरिकता समाप्त होनी चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, नहीं तो 13 बार भारत के बंटवारा हो चुका है और अब स्थिति में भारत नहीं है कि फिर से यह बंटवारा झेल सके। इसलिए राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए चाहे जान चले जाए लेकिन मुसलमानों की नागरिकता समाप्त होनी चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए और इसके लिए हमने 4 महीने का समय दिया है। अगर वो यहां शरणार्थी बन के रहेंगे, जब यहां पार्टीशन नहीं हो रहा था, हिंदुओं ने कहा कि नहीं हम भाई भाई हैं, मिल के रहेंगे, तो उस समय जो है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने जिन्ना के कहने पर डायरेक्ट एक्शन डे का फरमान जारी किया जिसमें कई लाख हिंदुओं और कई लाख सिखों की हत्या हुई थी, जिसको कलकत्ता किलिंग के नाम से जाना जाता है। तो जब वो देश बट गया, धर्म के नाम पर बटा, उनको अलग देश मिल गया और पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं की नेशनलिटी नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान में इनकी नेशनलिटी खत्म होनी चाहिए। अगर इन्हें रहना है तो ये शरणार्थी बन के रहेंगे लेकिन नागरिक बन के नहीं रहेंगे। सिर्फ केस बुक होगा, उसके बाद कोई इंसाफ नहीं होगा उन लोगों पे। तो ये हमेशा इनकी आदत रही है धोखा देने की, फरेब देने की, और ग्राउंड पर इसका कोई ना तो मुस्लिम महिलाओं ने, मुसलमानों ने इसको एक्सेप्ट किया है बल्कि इसको रिजेक्ट किया है। तो ये इसकी हकीकत है। और एजुकेशन के मामले में मुख्तार अब्बास नकवी हो या मोदी सरकार हो, आप डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप क्यों नहीं करते माइनॉरिटीज की? क्या ड्रॉपआउट रेट नहीं है? क्या कुंडू कमेटी की रिपोर्ट नहीं है? क्या एनएसएसओ का डेटा नहीं है? क्या 2011 का सेंसस नहीं है? सिर्फ धोखा और फरेब और ऑप्टिक्स के लिए किया जाता है सब चीजें। कौन सपोर्ट कर रहे हैं इस कानून के खिलाफ? करोड़ों मुस्लिम महिलाओं ने अपने हाथ से साइन करके भारत के प्रधानमंत्री को कहा कि हम इस तरह के कानून को रिजेक्ट करते हैं। ये वो उन लोगों की आप बात क्यों नहीं करते? ग्राउंड पर इसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूफ मुस्लिम महिलाओं पर डाल दिया गया और आप इसको ये कह रहे हैं कि अगर कोई जेल को भी जाएगा तो शादी रहेगी। इस मुल्क में अगर कानून बनाना है, मैं मोदी सरकार को कह रहा हूं कि डिजर्शन पर कानून बनाइए। वो मर्द जो अपनी बीवी को शादी भी करते हैं और अपने साथ नहीं रखते, उनको छोड़ देते हैं, डिजर्शन पर कानून बनाइए ना। आप डिजर्शन पर कानून नहीं बनाते। और अगर इस कानून के तहत किसी मुसलमान को सजा होगी तो 3 साल और नॉन मुस्लिम को होगी तो 1 साल। क्या कर रहे हैं आप? डेमोनाइज कर रहे हैं पूरी कम्युनिटी को और मुस्लिम महिलाओं से। ये नाइंसाफी और एक्सप्लॉयटेशन और ज्यादा होगा इस कानून के तहत। किस बात का सेलिब्रेशन कर रहे हैं बताइए? आपके पास रिकॉर्ड है तो बताइए किस बात का सेलिब्रेशन कर रहे हैं।
आप तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाकर जो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है और उल्टा बर्डन ऑफ प्रूफ मुस्लिम महिलाओं पर डाल देता है। इस देश को जरूरत है तो डिजर्शन के खिलाफ कानून बनाने के लिए जो इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन का सबले अप्लाई होगा, वो कानून नहीं बना रही है, सिर्फ धोखा और फरेब है, इसका इंसाफ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। बीजेपी के लीडर्स ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी के जो हर एक डिसीजन है वो सारे इंप्लीमेंट हुए, चाहे वो राम मंदिर हो या आर्टिकल 370 का रिप्लेसमेंट हो या फिर 80% रिडक्शन इन ट्रिपल तलाक केसेस। कौन सा 80% है, कौन सा डेटा है बताइए, चलिए देश सामने रखिए, कहां से लाया डेटा? ये डेटा तो आपने अपने घर में बैठकर बीजेपी के दफ्तर में बैठकर बना लिया है। ग्राउंड पर एक्चुअल रियलिटी है कि मुस्लिम महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इस कानून के तहत, बर्डन ऑफ प्रूफ मुस्लिम महिलाओं पर है और शादी भी खत्म नहीं होती उसकी। तो ये एम्पावरमेंट अगर मुसलमान और मुसलमान महिलाओं का चाहते हैं तो आप नजीब की मां से इंसाफ करिए, आप जुनेद की मां से इंसाफ करिए, आप पीलू खान के घर वालों से इंसाफ करिए, आप इखलाक के घर वालों से इंसाफ करिए, आप अकबर खान के घर वालों से इंसाफ करिए, अलीमुद्दीन अंसारी के घर वालों से इंसाफ करिए, जो जिनको गौ रक्षकों ने मारा, उन खातिलीन उन कन्विक्शन के कन्विक्टेड लोगों को बीजेपी के लोग जाकर फूल का माला पहनाते और आप आकर हमको कह रहे हैं कि आप मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ कर रहे हैं, डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप आप नहीं करते, इलिटरेसी रेट हाई है, कुछ नहीं करते और आप सिर्फ एक धोखा और फरेब की इनकी हमेशा सियासत रही है, उसी पर बीजेपी चल रही है। सर, हिंदुस्तान के टैक्सपेयर का करोड़ों रुपया बर्बाद कर रहे हैं आप, तो आप भूल गए सुषमा, लेट सुषमा स्वराज ने क्या कहा था कि पार्लियामेंट को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। डिबेट करवाइए ना, क्यों सरकार डर रही है? 300 MP रखकर भी सरकार पेगासस के ऊपर डिबेट नहीं करना चाहिए, क्यों डर रही है, क्या छुपाना चाह रहे हैं आप? हम यही सवाल कर रहे हैं, आप चलाइए पार्लियामेंट को, हम चलाने तैयार हैं। आप चलाना नहीं चाहते, आप दिन में अपने बिल को पास करना चाहते, ये डेमोक्रेसी है क्या? पार्लियामेंट को चलाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? अपोजिशन अपनी बात तो रखेगा, आप सुनिए, आप एक्सेप्ट करना है मत करिए, मगर हमको बात रखने का तो मौका नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष की जिम्मेदारी, विपक्ष उन लोगों की तरफ से विपक्ष आवाज उठा रहा है जिनकी लाशें पानी में तीर रही थी, जो ऑक्सीजन से मर गए। विपक्ष ये चाह रहा है कि भारत में सेकेंड वेव में जो 40 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं उनके लिए इंसाफ का बात कर रहे हैं, तो सरकार सुनने तैयार नहीं है। विपक्ष ये चाह रहा है कि आप फोन टैप कर रहे हैं उन लोगों का जो आपके खिलाफ है। विपक्ष चाह रहा है कि आपने वो सॉफ्टवेयर लिया नहीं, मैलवेयर लिया नहीं लिया, आपने NSO से खरीदा नहीं खरीदा, आप उसका जवाब देने तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है आप इन चीजों का जवाब देने? विपक्ष ये पूछ रहा है कि किसान इतने महीनों से एहतजाज कर रहा है, आप उनकी बात सुनने तैयार नहीं है। तो सरकार सिर्फ खुद जिम्मेदार है, आज पार्लियामेंट अगर नहीं चल रही है तो मोदी सरकार इसकी जिम्मेदार। सर, उत्तर प्रदेश में आपने पहले ही ऐलान किया कि हम चुनाव लड़ेंगे, अभी प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेताओं, अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेताओं का वहां से यूं तय हुआ है चुनावी प्रचार के लिए, तो क्या बताएंगे आपको इस तरह से स्टार कैंपेनर पार्टी के उनके जाएंगे क्या? हाँ, बीजेपी की हालत खराब है वहां पर, बीजेपी सेकेंड कोविड वेव को मैनेज नहीं कर पाई, 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर सके उनकी गलती की वजह से, मेडिकेशन नहीं मिला, नौकरियां जा चुकी हैं और हेल्थ सेक्टर में तो कुछ हुआ ही नहीं यूपी में, मैंने कल ही आपको बताया कि कितने पोस्ट खाली हैं, और इसीलिए बीजेपी की हालत ख़राब है। और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदार तमाम जनता अब की बार इस चुनाव में बीजेपी को इंशाअल्लाह ताला शिकस्त देगी। अरे भाई, तो अब इतना परेशान हो क्यों हो रहे हैं? इतने जो भाग भाग के आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं सब? एक एक मंत्री आ रहा है, सब आ रहे हैं। भाई हमारी फिक्र छोड़िए, लैला की फिक्र करना छोड़िए, अपनी फिक्र करिए। और हम इस बार इंशाअल्लाह ताला ओम प्रकाश राजभर साहब के गठबंधन में हम साथ हैं, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट शौकत साहब, हमारे स्पोक्स पर्सन आसिम वकार, संगठन को बहुत मजबूत किया है और कर रहे हैं। हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस बार उत्तर प्रदेश की जनता अब हमको अपने दुआओं से, अपने आशीर्वाद से, अपने वोट देकर हमारे कैंडिडेट को कामयाब। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज अब तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।